दोस्तों जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसी खूनी दास्तान, जी हाँ, जिसने कर दिया इंसानियत को हैवानियत के नाम, जी हाँ, कर दिए शरीर के टुकड़े टुकड़े। ऐसा क्यों हुआ? एपीएमसी मार्केट जी है, एपीएमसी पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज है, और मैं आपको बता दूं ये कल ही की बात है। मृत्यु देह जो है वो अज्ञात है, और अज्ञात खूनी का ही पता लगाने के लिए पुलिस तैयार है, जी हाँ, और ये पुलिस है जोन वन की टीम, जी हाँ, नवी मुंबई जोन वन। डीसीपी सुरेश मेघड़े जी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, आगे सुनिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। किसी भी मिसिंग पर्सन की यदि आपको जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में इसकी इतला कीजिए, क्योंकि और हो सकता है हम उन टुकड़े टुकड़े वाली बॉडीज को आपको डायरेक्ट ना दिखा के कुछ धुंधला करके दिखाएं। तो ये एक सतर्क रहने वाली कहानी है, जो दिल दहला देने वाली कहानी भी है, जी हाँ, आजू बाजू के परिसर भी हिल चुके हैं। तो आइए देखते हैं सुरेश मेघड़े जी क्या कहते हैं। ये कल पता चला सुबह कि एपीएमसी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक डिच में, जिसका ढक्कन खुला हुआ था रोड साइड में, उसमें कुछ प्लास्टिक बैग में कुछ इंसान ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जिसमें कुछ थाइज है, पाव है, जिसमें कुछ दो हाथ है, और ये सारे शार्प वेपन से कट किए हुए मिले हैं। पूरा दिन कल नई मुंबई पुलिस ने खोज की आजू बाजू के इलाके में बाकी पार्ट्स बॉडी के मिलने की, लेकिन कल तक हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली है। हम ढूंढ रहे हैं इसके बॉडी पार्ट्स, और कोशिश भी कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की। बॉडी को जो पार्ट्स में है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, हॉस्पिटल में भेजा है, उसका डीएनए सैंपल वगैरह लेने का काम चालू है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। फिर भी प्रथम दर्शनी जो सामने दिखा है, इससे लगता है कि किसी अज्ञात आदमी का, अज्ञात आदमी ने उसको किसी अज्ञात रीजन की वजह से उसको जान से मार डाला है, और उसका जो एविडेंस है वो नष्ट करने की पूरी कोशिश किया है। तो इसके लिए एपीएमसी पुलिस स्टेशन में 302 और 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया है, और नई मुंबई पुलिस जल्दी इसकी उकल करेगी। ये कोई मजदूर हो सकता है, कोई लेबर भी हो सकता है, लेकिन हमारी टीमें काम कर रही है, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश। पुलिस स्टेशन को मैसेज भी दिया है कि जहाँ कोई मिसिंग है, हमने लोगों को भी अपील किया है कि भाई किसी का कोई मिसिंग है तो उसके बारे में वेरीफाई करें। हम खुद कर रहे हैं फिलहाल, तो जनता के अलावा हमारा ही ज़्यादा रोल है, तो हम खुद अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग्स है उसका पता कर रहे हैं। सतर्क रहिए, जी हाँ, सावधान रहिए।